जबलपुर शहर में निजी अस्पतालों की बढ़ती लूट के चलते गढ़ा क्षेत्र की भगवा रक्षा दल समिति ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने कहा कि अभी तक कोरोना महामारी की वैक्सीन या दवाई नहीं आई है, उसके बावजूद निजी अस्पतालों के द्वारा अस्पतालों के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो अस्पतालों को लूट की ओर बढ़ावा दे रहा है। पहले से ही शहर की गरीब जनता इन निजी अस्पतालों के मनमाने रवैये से परेशान है। उन्होंने आगे बताया कि शहर के कलेक्टर ने निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ मिलकर एक बैठक रखी थी। इस बैठक में अस्पतालों के संचालकों के साथ मिलकर रेट निर्धारित किए गए थे, जो निजी अस्पतालों की लूट को बढ़ावा देने की ओर है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी है कि शहर में गंभीर बीमार व्यक्ति के लिए निजी अस्पतालों के जनरल वार्ड में 3500 से 7500 रुपए प्रतिदिन, वहीं कोरोना पेशेंट के लिए जनरल वार्ड में 8000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह आईसीयू के लिए 1000 से 1500 रुपए, वहीं कोरोना पेशेंट के लिए आईसीयू में 20000 रुपए तय किए गए हैं। उन्होंने शासन प्रशासन और निजी अस्पताल के संचालकों से सवाल किए हैं कि यह रुपए किस आधार पर तय किए गए हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि निजी अस्पतालों में बढ़ती लूट को रोका जाए। यदि अस्पतालों में बढ़ती हुई लूट को नहीं रोका गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आज भगवा रक्षा दल की ओर से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया हुआ है माननीय आयुक्त साहब को। अभी विगत दो दिन पहले कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एक निजी अस्पतालों की लूट के को लेके ये प्रकरण है, सभी एक मीटिंग बुलाकर कोरोना से इलाज करने के लिए कुछ रेट सूची जारी की गई है। उसमें जैसे कि मैसेज के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा हम लोग को जानकारी मिली हुई है कि उसमें आईसीयू का चार्ज 20000 रुपये पर नाइट रखा गया है और सामान्य बेड का चार्ज 1-8000 रुपये रखा हुआ है। लेकिन नॉर्मल बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज अगर जबलपुर शहर में कोई व्यक्ति कराता है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज सिर्फ 3500 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक आईसीयू में हो जाता है। कोरोना किसी बीमारी का अभी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई प्रकार की दवाई नहीं है, तो आखिर ये चार्ज क्यों 20000 रुपए? क्या आईसीयू का चार्ज सही है? माननीय कलेक्टर महोदय के साथ में मिलके और पूरा एक एसोसिएशन के साथ में जाकर जो निजी अस्पतालों ने ये सूची जारी कराई है, ये पूर्णतः गलत तरीके से बनाई हुई है। इसको लेके आज ज्ञापन दिया है कि ये सूची पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसको ये अपने आयुक्त जी को ज्ञापन दिया हुआ है और उनसे मांग रखी गई है इस सूची को तुरंत तत्काल रोक दिया जाए। यदि यह काम नहीं रुकता है तो भगवा रक्षा दल आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगा और इसमें होने वाली सभी समस्याओं के जवाबदार निजी अस्पताल स्वयं होंगे, प्रशासन स्वयं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, पलपल इंडिया।